खतौली विनीता देवी मेमोरियल ट्रस्ट की शिव मंदिर निर्माण समिति शिवपुरी खतौली ने कान्हा जी की छठी धूमधाम से मनाई। कान्हा जी को हाथों में लेकर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली, केक काटकर खुशियां मनाई, गीत संगीत व भजनों के द्वारा बधाई दी गई। विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। शिवपुरी कॉलोनी के बच्चों व महिलाओं ने अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मोहल्ला शिवपुरी में मंदिर बनने से पूर्व प्रथम बार आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की नगर क्षेत्र में चर्चा है। गौरतलब है कि मोहल्ला शिवपुरी में धर्म प्रेमियों के सहयोग से शिव मंदिर का निर्माण होना है। निर्माण से पूर्व इस मंदिर की भूमि पर मंगलवार के दिन श्री सुंदरकांड के 108 बार पाठ होने हैं। 19 सुंदरकांड के पाठ व भजन संध्या का आयोजन हो चुका है। मंदिर समिति व मोहल्ला वासियों ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर झांकियों का आयोजन किया। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों से शोभा यात्रा निकाली गई। झांकियों का उद्घाटन शिव मंदिर निर्माण समिति शिवपुरी खतौली के अध्यक्ष सतीश कुमार चौहान ने किया। शिवपुरी कॉलोनी के बच्चों ने विभिन्न पात्रों का रोल करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। मंगलवार को 19वें सुंदरकांड के अगले ही दिन कान्हा जी की छठी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं ने अपने अपने घरों से कान्हा जी को साथ लेकर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकलते हुए नंदोत्सव मनाया, केक काटकर कृष्ण जी के जन्म की बधाई दी, गीत संगीत के साथ भजन गाए गए। गोपिकाओं ने यशोदा जी व नंद बाबा को बधाई दी। मुख्य अतिथि श्री कृष्ण मंदिर के संत सोनू महात्मा जी रहे, जिन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं एवं घरों में विराजमान कान्हा जी के महत्व को बताया। एक विशाल भंडार का आयोजन भी विनीता देवी मेमोरियल ट्रस्ट की शिव मंदिर निर्माण समिति की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम से धर्म प्रेमी गदगद हो गए, लोगों की आस्था जुड़ती जा रही है। मंदिर समिति के लोग दिन रात मेहनत करके मंदिर निर्माण के लक्ष्य में लगे हैं। ट्रस्ट के सचिव कुलदीप तोमर, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार पयाल, अतुल उपाध्याय, आयुष जैन, पंकज गौरियान, पंकज सैनी आदि का विशेष सहयोग रहा।